हेलो बच्चों, आज आप लोग क्लास टू का मैथ 2.2 एक्सरसाइज आज आप लोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसके पहले आप लोगों ने ऐड पढ़ा, मल्टीप्लाई पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। आज आप लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ध्यान दें बच्चों, प्लेस वैल्यू में यहाँ पर देखें आप लोग, लिखा हुआ है, पढ़ करके देखें। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस हंड्रेड्स टेंस ए वंस इन द नंबर्स। लेट अस कंसीडर ए नंबर 958। देखे बच्चों, प्लेस वैल्यू में यहाँ पर दिया हुआ है ओफ, ओ लिखा हुआ है, तो वो फर क्या होता है? वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखें टी लिखा हुआ है, टी फर होता है टेंस, और यहाँ पर लिखा हुआ है यच, तो यच फर होता है हंड्रेड। अब यहाँ पर आप लोग जान गए वंस टेंस हंड्रेड, क्या हो गया? वंस टेंस हंड्रेड। अब ये भी आप लोग जान लें कि वंस मीन्स होता क्या है, तो वंस मीन्स होता है इकाई। आपको हिंदी में मैं बता रही हूँ कि वंस मीन्स होता है इकाई, टेंस मीन्स होता है दहाई, और हंड्रेड मीन्स होता है सैकड़ा। ये होता है हम लोग का हिंदी में। वैसे हम साधारण से जानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वंस, ये होगा हमारा वंस टेंस हंड्रेड, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लोगों को बताने हैं 958, इसका आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वंस की तरफ से। किधर से स्टार्ट करते हैं? वंस की तरफ से। अब यहाँ हम सबसे पहले किसका प्लेस वैल्यू बताएंगे? एट का। तो एट में हम क्या करेंगे? एट जो है किस स्थान पे है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो एट जो हमारा है वंस यानी इकाई, वन एक पर है, एक वन के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे? एट का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एट का मल्टीप्लाई वन से करेंगे। तो एट का मल्टीप्लाई जब हम वन से करेंगे तो एट वन जा क्या हो जाएगा हमारा? एट, या क्या हो जाएगा? एट वन जा एट। इस तरह हम लोग टेबल जब करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखें हमारा नेक्स्ट नंबर है फाइव। अब हमको किसको बताना है? फाइव का प्लेस वैल्यू बताना है। तो फाइव का प्लेस वैल्यू, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि फाइव जो है किस स्थान पे है। तो ये किस स्थान पे है? ये टेंस यानी दहाई, टेंस मीन्स होता है टेन, टेंस मीन्स ये हमारा टेन हो गया यानी दहाई। अब हम क्या करेंगे? फाइव का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? टेन से करेंगे। फाइव का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टेन से करें। जब हम फाइव का मल्टीप्लाई टेन से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? फिफ्टीन। आप लोग फाइव का टेबल पढ़ के देख लें, फाइव टेन जा क्या होता है? फिफ्टीन। क्या होता है फाइव टेन जा? फिफ्टीन। तो ये फाइव का हम जब निकाल दिए प्लेस वैल्यू किए तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्टीन, फाइव का प्लेस वैल्यू फिफ्टीन। अब यहाँ पर हम देखेंगे नाइन, यहाँ पे क्या है? नाइन। अब नाइन का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें नाइन का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यस फॉर, हमने बताया आप लोगों को यस फॉर हंड्रेड, तो यच फॉर हंड्रेड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हंड्रेड इस तरह, ये हमारा हंड्रेड यानी सैकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नाइन का अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किस में करेंगे? हंड्रेड में करेंगे। किस में करेंगे? हंड्रेड। तो आप लोग नाइन का टेबल सॉरी नाइन का मल्टीप्लाई जब हंड्रेड में करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 900 होगा। कितना होगा? यहाँ पर देख लें बच्चों 900। जब नाइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे हंड्रेड में तो यहाँ हमारा हो जाएगा 900 होगा।
तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखें, यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखें, वही चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है जो ऊपर हमने बताया कि एट इज एट वंस प्लेस सो इट्स प्लेस वैल्यू इट सॉरी इज एट। अब यहाँ जब हम लोगों ने एट का प्लेस वैल्यू निकाला है तो एट का प्लेस वैल्यू एट ही हुआ है, क्योंकि वो हम लोग क्या किए हैं, वन से मल्टीप्लाई किए, किससे किए हैं, वन से। तो ये हमारा हो जाएगा, जब एट में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट वन जा एट होता है, तो इसलिए एट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, एट होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, फाइव इज एट टेंस प्लेस सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 50। अब हम क्या किए हैं, जब फाइव का निकाले हैं प्लेस वैल्यू तो हम लोग ये किस स्थान पे था, टेंस, तो ये जब हम लोग टेंस के स्थान पे, तो हम क्या किए हैं, फाइव इंटू टेन। अब जब हम लोग क्या किए, फाइव का मल्टीप्लाई टेन में किए हैं तो हमारा कितना हो गया है, 15। फाइव टेन जा 15, यहाँ क्या हो गया, फाइव टेन जा 15, तो फाइव का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 15, इस तरीके से। सेम वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर देखें, नीचे वाला यहाँ पर दिया हुआ है, 9 इज एट 100 प्लेस सो इट्स प्लेस वैल्यू इज। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, 9 का जब हमने निकाला प्लेस वैल्यू तो यहाँ पर हमने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई किस में किया था, 100 में, किस में किया था, 100 में। तो जब हम लोग 9 का मल्टीप्लाई 100 में किए तो ये हो जाएगा हमारा 900। 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। तो यहाँ तक ये आप लोगों का एग्जाम्पल में हमने समझाया। आगे आप लोग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप लोग को करके मैं बताऊंगी, आप लोग भी घर पे करें होमवर्क में। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों दिया हुआ है फेस वैल्यू, थोड़ा एक्सरसाइज करने के पहले यहाँ पर ध्यान दे दें, फेस वैल्यू पर ज़रा ध्यान दें बच्चों। फेस वैल्यू में क्या होता है, सेम उसी नंबर को हम लोग फेस वैल्यू में बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस वैल्यू इट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट वनली जीरो इज सच ए डिजिट विच हैज़ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम इन द। अब यहाँ पर आप लोग देखें, सेम वही चीज़ होता है, कहने का मतलब अगर पूछ दिया आप लोगों से कि यहाँ पर मान लीजिए नंबर दिया है 958, तो अगर कह दे कि आप लोगों को एट का फेस वैल्यू बताना है, किसका बताना है, एट का फेस वैल्यू, तो इसमें कुछ नहीं है, बस एट का फेस वैल्यू सेम वही चीज़ हो जाएगा, हम लोग उसी नंबर को रिटर्न लिख देते हैं, एट का फेस वैल्यू एट होगा। नीचे आप लोग देखें, बता भी दिया है कि अगर एट का फेस वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो एट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, एट ही होगा। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर पर देखें, फेस वैल्यू ऑफ द फाइव इज अ फाइव। अगर फाइव का हम लोग फेस वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ फाइव का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव। सेम उसी तरीके से नीचे भी देखें, एंड फेस वैल्यू ऑफ नाइन इज नाइन। अब नाइन का फेस वैल्यू क्या होगा, नाइन होगा। सेम वही नंबर को हम रिटर्न लिख देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा फेस वैल्यू। अगर कभी भी पूछ दे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 958, तो हम क्या करेंगे, अगर पूछा कि नाइन का फेस वैल्यू हमको बताना है तो नाइन का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। इस तरीके से हमको फिलअप कर लेना है। यहाँ तक हो गया, अब आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज पर। अब तक हमने आप लोगों को बस समझाया है, वहाँ पर आप लोगों को कुछ करना नहीं था, बस समझना था। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज करना है, 2.2 एक्सरसाइज है। देखेंगे यहाँ पर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दे दिया है वन नंबर, आप लोग देखेंगे नंबर पहले दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर दिया हुआ नंबर प्लेस और प्लेस वैल्यू,
इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए वन में क्या कर दिया है आपका, ये नंबर लिख दिया है यहाँ तक। अब उसके बाद हमको क्या करना है, प्लेस स्थान को हमको बताना है, प्लेस को बताना है। अब क्या करना है, प्लेस वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया प्लेस वैल्यू, यानी ये दो बॉक्स दिए हुए हैं, इन दोनों बॉक्स में हमको फिलअप करके बताना है, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू दोनों बताना है। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर 836, नेक्स्ट नंबर क्या है 836। अब यहाँ पर देखें बच्चों, जो सर्कल में दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान देंगे जो सर्कल में दिया हुआ है उसी का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू बताएंगे और उसी का प्लेस भी बताएंगे। यहाँ पर जितने नंबर अगर ब्लू में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ब्लू में दिए हुए हैं, तो इसको नहीं बताने हैं, जो हमारा ये इस तरह से बॉक्स में जैसे सर्कल में करके दिया है इसी का हमको प्लेस वैल्यू बताने हैं, और सॉरी प्लेस वैल्यू बताने हैं और प्लेस भी बताने हैं। जैसे अब आ जाइए, सबसे पहले इसी को हम लोग वन नंबर आपको समझा के बता दे रहे हैं, यहाँ पर दिया है 764। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जब हम ये क्या किए हैं, प्ले जो सिक्स है किस नंबर पे है, टेंस किस नंबर पे है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड, इस तरीके से ये फोर किस पे है, वंस पर है, सिक्स किस पर है, टेंस पर है, और सेवन हंड्रेड किस स्थान पे है, ये लोग इनका प्लेस कहाँ है, ये फोर का प्लेस होगा हमारा वंस, सिक्स का टेंस और सेवन का हंड्रेड, इस तरीके से। तो जब हम लोग प्लेस बताए हैं सिक्स का प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। सिक्स का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिक्स में हम क्या करेंगे, टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स का हम लोग टेन में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, सिक्स टेन जा सिक्सटी, कितना होगा, सिक्स टेन जा सिक्सटी, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू कितना हुआ, 16, इस तरीके से। ये आप लोगों को फर्स्ट नंबर समझ में आया बच्चों, अब आ जाइए सेकेंड नंबर पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे सेकेंड नंबर, यहाँ पर दिया है 836। अब यहाँ पर हम लोगों को वही चीज़ आप लोग कर लेंगे, सिक्स जो है वंस है, थ्री जो है टेंस है, और एट जो है हंड्रेड, इनका ये प्लेस हो गया, इनका स्थान जो है ये किस स्थान पे, सिक्स जो है इकाई पे है, थ्री जो है टेंस यानी दहाई पे है, और एट जो है आपका किस पे है, हंड्रेड यानी सैकड़ा जिसको बोलते हैं। तो वंस टेंस, ये वंस टेंस हंड्रेड, इस तरीके से। तो एट का हमको प्लेस वैल्यू बताने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हंड्रेड होगा, क्या होगा, हंड्रेड, यहाँ आप लोग फिलअप कर लेंगे हंड्रेड। अब यस फॉर हंड्रेड होता है, इसमें आप लोग फिलअप कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, एट का प्लेस वैल्यू बताना है, क्या करना है, एट का प्लेस वैल्यू बताएंगे। तो एट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड, क्योंकि ये किस पर है, कौन से नंबर पर है, हंड्रेड, किस स्थान पे है, हंड्रेड पर है। तो हम क्या करेंगे, एट का मल्टीप्लाई जब हंड्रेड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल एट हंड्रेड हो जाएगा, कितना होगा, एट हंड्रेड, यहाँ पर हम लोग फिलअप कर लेंगे एट हंड्रेड, इस तरीके से। समझ में आ रहा बच्चों, अब यहाँ आप लोग थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर पर ध्यान दें, यहाँ पर दिया हुआ 925। अब यहाँ पर हम लोग को किसका प्लेस वैल्यू बताना और प्लेस बताना है, फाइव का, किसका, फाइव का। पहले ही हमने बता दिया बच्चों आप लोग को कि जो सर्कल में या बॉक्स में बने हुए हैं उन्हीं का आपको प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों बताने हैं। तो यहाँ पर सर्कल में कौन है, फाइव है, तो हमको अब फाइव का प्लेस वैल्यू बताना है और प्लेस बताना है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो प्ले फाइव है कौन से स्थान पे है, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर किस स्थान पे है हमारा फाइव, वंस, किस पर है, वंस।
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वंस लिख लेंगे, क्या लिखेंगे वंस या ओ एन ई एस। सॉरी बच्चों सही से लिखा नहीं रहा है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वंस, क्या लिखेंगे वंस। फाइव जो किस नंबर पे है, सॉरी किस स्थान पे है वंस, तो यहाँ आप लोग ओ फिलअप कर लीजिएगा इसमें इस तरीके से, या फिर वंस लिख लेगा ओ एन ई एस वंस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइव में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वन, किस में करेंगे वन, इस तरीके से जब हम करेंगे तो फाइव वन जा फाइव क्या हो जाएगा इसमें हमारा प्लेस वैल्यू फाइव, इस तरीके से। अब यहाँ देखें बच्चों फोर नंबर, आप लोग ध्यान दें फोर नंबर में हमको एट का बताना है, 268 दिया हुआ है तो हम लोग किसका प्लेस वैल्यू बताना है एट का। तो एट सेम वही चीज़ जो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ थर्ड नंबर का, वही चीज़ इसमें भी है फोर्थ नंबर में भी, आपको एट का बताना है तो किस प्लेस पे है तो वंस, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ओ एन ई एस वंस। अब क्या करेंगे वंस, इस वंस के प्लेस पे है ये, अब ये इसका प्लेस वैल्यू हम जब निकालेंगे तो एट वंजा क्या हो जाएगा एट, एट वंजा एट, तो यहाँ पे हम लिख फिलअप कर लेंगे एट इस तरीके से। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस तरीके से सारे आप लोगों को करने हैं। आप लोगों को मैं यहाँ सिक्स तक बता दे रही हूँ और बाकी सिक्स जो है आप लोगों को स्वयं करने हैं, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी सा प्लेस वैल्यू होता है, बस समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब यहाँ पर देख लें फाइव नंबर भी देख लें, इसमें किसका हम लोग प्लेस वैल्यू बताएंगे नाइन का, सर्कल में कौन है नाइन, तो नाइन का हम बताएंगे, तो नाइन का ये कौन से, यहाँ पर ध्यान सबसे पहले यही देना है वंस टेंस हंड्रेड, जैसे ही आप लोग लिख लेंगे तुरंत आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से प्लेस पे ये है, तो ये कौन से प्लेस पे है टेंस, तो टी ई एन एस टेंस, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है नाइन का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कितने में मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे टेन में करेंगे, क्योंकि कौन से स्थान पे टेंस पे है, तो हम लोग क्या करेंगे नाइन का मल्टीप्लाई जब टेन में करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन टेन जा नाइन्टी, कितना होगा नाइन टेन जा नाइन्टी, तो यहाँ पर हम लोग फिलअप कर लेंगे नाइन्टी इस तरीके से। अब सिक्स नंबर देखें आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है 518, अब यहाँ पर हमको किसका बताना है प्लेस वैल्यू वन का, सॉरी किसका बताना है वन का, तो वन हमारा किस पे है टेंस पे ये भी है, तो यहाँ हम फिलअप कर लेंगे टेंस टी ई एन एस इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे वन में मल्टीप्लाई करेंगे टेन, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा वन टेन जा टेन, यहाँ पर हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा टेन, इस तरीके से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ तक हमने आपको बताया, अब यहाँ पे आप लोग को सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये जो आपको सिक्स हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। अब आगे देख लें, यहाँ पर आप लोग प्लेस वैल्यू पढ़ें, नीचे अब आप लोग को देखना है फेस वैल्यू, यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे फेस वैल्यू दिया हुआ है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द इनक्लियर डिजिट। अब यहाँ पर आप लोगों को वन नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 586, अब हमको किसका फेस वैल्यू बताना है, यहाँ पे देखिए ये नंबर है और ये फेस वैल्यू है, अब यहाँ नंबर दे दिए गए हैं, इधर आप लोगों को नंबर दे दिए गए हैं और इधर आप लोगों को फेस वैल्यू बताने हैं। यहाँ पर एट का जब हम फेस वैल्यू निकाले हैं तो सेम उसी नंबर को लिख दिया गया है एट, यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं आप लोग कि एट का फेस वैल्यू क्या होगा एट होगा। अब जैसे यहाँ पर भी दे दिया है 318 दिया हुआ है, तो एट का हमको क्या करना है फेस वैल्यू बताना है, तो एट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा एट,
अब यहाँ पर हम देखेंगे 685 दिया हुआ है, तो 685 दिया तो 5 का क्या हो जाएगा, हमारा प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब देखें बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 685, अब किसका हमको बताना है प्लेस वैल्यू, 5 का, सॉरी फेस वैल्यू बताना है, तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखेंगे 515 दिया हुआ है, तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। सेम वही चीज़ हमारा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखें, फोर्थ नंबर आप लोग देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 515, कितना दिया हुआ है, 515। यहाँ पर आप लोगों को 5 का प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू बताना है, तो 5 का फेस वैल्यू हो जाएगा 5, क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू 5, तो यहाँ पर हम लोग फिलअप कर लेंगे 5। अब देखें यहाँ पर 919 दिया हुआ है, 919 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का हमको फेस वैल्यू बताना है, तो 1 का फेस वैल्यू 1। अब 6 नंबर आप लोग देखें, 6 नंबर, 6 नंबर में भी आप लोग दिया हुआ है 419, तो 419 में हमको किसका फेस वैल्यू बताना है, 1 का, तो 1 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से तो बच्चों आप लोग यहाँ पर जितने बाकी 6 नंबर तक हमने आपको बता दिया और 6 छूट गए हैं, तो 6 को आपको स्वयं करने हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, यहाँ तक आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा घर से, या आप लोग अपने स्वयं कर लीजिएगा फेस वैल्यू को, और प्लेस वैल्यू में भी कुछ छोड़ दिए हमने, 6 नंबर तक छोड़ा हुआ है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में। नेक्स्ट आप लोगों को भी होमवर्क और भी मिल रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ऐड, क्या है ऐड, ऐड आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, कैरी वाला ऐड नहीं है, सिंपल सा ऐड है, आप लोगों को करना है। और नीचे देखेंगे ये ऐड है आपका, इधर आप लोगों को नीचे मिला हुआ है सब्ट्रैक्शन, इसको भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, कॉपी में सभी लोग फिलअप कर लेंगे, सारे बच्चे कॉपी में फिलअप कर लेंगे इसको, ये भी आप लोग का सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, इसको भी आप लोगों को होमवर्क में मिल रहा है, सभी लोग सारे बच्चे ये होमवर्क में करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, नेक्स्ट डे आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक्स।